सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ विराट कोहली ड्राइंग ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग विराट कोहली सर के फेस का जो शेडिंग है वो कम्प्लीट करने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोग ने पिछले पार्ट में देखा होगा, हम लोग ने विराट कोहली सर की आउटलाइन जो है वो कम्प्लीट की थी। सो आज के इस पार्ट में हम लोग इस पूरे ड्राइंग को शेडिंग करके कम्प्लीट करने वाले हैं। और अगर आप लोग ने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप लोग जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इस ड्राइंग को आई से स्टार्ट करेंगे। हम लोग आई से इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आई को बेसलर में ऐड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल। तो 2B पेंसिल से हम लोग पूरे आई में, दोनों आई में बेसलर ऐड करेंगे। तो इससे हम लोग ड्राइंग को हम लोग पास लाएंगे। पहले बेसलर ऐड करेंगे, उसका भी डार्क ऐसे ऐसे हम लोग करके ड्राइंग को कम्प्लीट करेंगे। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं ड्राइंग को थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि बेसलर ऐड करने के बाद मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 4B पेंसिल से आई बॉल में थोड़ा सा डार्क एरियाज़ को ऐड कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग इसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे 4B पेंसिल का यूज़ करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे 8B या 10B पेंसिल। तो इसमें हम लोग और डार्क करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले लेयर में कि 2B पेंसिल का यूज़ किए, उसके बाद फिर उससे डार्क थोड़ा सा 4B यूज़ किए, उसके बाद फिर उससे भी डार्क करेंगे, तो 8B और 10B यूज़ कर लेंगे उसके बाद हम लोग। सो ऐसे ही आप लोग भी ड्राॅइंग को कीजिए। सो ऐसे ही हम लोग ने वाइट हाईलाइट्स को भी वाइट जेल पेन से ऐड कर दिया है। और आई बॉल के जो किनारे किनारे जो हम लोग वो जो शेडिंग थोड़ा मोड़ा होता है, जो आई रियलिस्टिक लुक पाता है, वो हम लोग भी दे रहे हैं। और थोड़ा मोड़ा इरेजिंग भी कर दे रहे हैं टोमोमोई इरेजर से। सो अभी हम लोग आई के आसपास के एरिया में शेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो ऐसे ही हम लोग करके पूरा आई कंप्लीट करेंगे। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए 2B पेंसिल। सो जहाँ जहाँ हम लोग ने डार्क डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग शेडिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्लेंड कर देंगे टिश्यू पेपर का यूज़ करके। सो जहाँ पास देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, जहाँ जहाँ वाइट है मैंने हाईलाइट से वहाँ छोड़ दिया मैंने ब्लैंक। सो अभी मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। और इतना करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग मोनोजीरो इरेजर से वाइट हाईलाइट्स को ऐड कर लेंगे। सो वाइट हाईलाइट्स को ऐड करने के बाद अब हम लोग का पहला आई कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे आई को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हम लोग दूसरे आई को कंप्लीट कर लेंगे। सो इसका मैं स्पीड ज़्यादा बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। बैकग्राउंड सॉन्ग मैं प्ले कर दे रहा हूँ, आप लोग इस आई को कंप्लीट करते हुए देख लीजिए। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो कोई प्रॉब्लम होगा अभी मैं बताऊंगा आगे का पार्ट कि आप लोगों को कैसे करना है। पहले आप लोग सेकेंड आई को कंप्लीट कर लीजिए। सो अब हम लोग का सेकेंड आई कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग अब आई के थोड़ा सा और ऊपर जो एरिया है, आईब्रो के पास जो एरिया है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सो सबसे पहले फिर से मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसी टेक्निक से। जहाँ जहाँ हम लोग को डार्क दिख रहा है वहाँ हम लोग डार्क कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग ब्लेंड कर देंगे। सो ऐसा हो जाएगा कि एक बेसलर टाइप का ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग डार्क कर देंगे, थोड़ा सा 4B पेंसिल का यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बीच में जगह छोड़ दे रहा हूँ वाइट हाईलाइट्स जो है जहाँ जहाँ पे हैं, सो वहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दे रहा हूँ मैं। सो अभी आप लोग भी ऐसे ही टेक्निक से आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा बेसलर ऐड करने के बाद अब हम लोग जो आईब्रो को है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो आईब्रो हम लोग जो चारकोल पेंसिल से कर रहे हैं, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग आईब्रो को करने के लिए। सो जहाँ जहाँ पे हम लोग को रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके, जहाँ जहाँ हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर लाइनिंग है आईब्रो है, वहाँ पर स्ट्रोक मारेंगे हम लोग आईब्रो करने के लिए। और आईब्रो को करने के बाद अब हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग स्टम्प का हम लोग यूज़ करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप लोग चाहें तो टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। और इतना करने के बाद फिर हम लोग टोम्बो मोनोजीरो इरेजर का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर लेंगे हम लोग वाइट हाईलाइट्स को करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग ने जो बनाया था नीचे का आईब्रो का जो नीचे का, उसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। 4B पेंसिल का ये आप लोग यूज़ कर लीजिए।
उसके बाद फिर हम लोग उसमें भी हाईलाइट ऐसे ही करेंगे। सो अभी आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क एरियाज़ को करने के लिए। सो आप लोग भी मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आप लोग का भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब हाइलाइट्स के लिए मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी मैं मोनो जीरो इरेजर से जहाँ जहाँ वाइट हाइलाइट्स है वहाँ वहाँ मैं हाइलाइट्स को ऐड कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग इसी टेक्निक से सेकेंड आई को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो को देख के सेकेंड आई को भी कंप्लीट कर लीजिए। सो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सेकेंड आई में भी वैसे ही आप लोग वैसे ही करना, उसी टेक्निक का यूज़ करके आप लोग सेकेंड आई को भी कर लीजिए जल्दी से। अभी मैं नोज़ को जो है बेसलर एक ऐड करना शुरू कर दिया हूँ। 2B पेंसिल का यूज़ करके मैं नोज़ में बेसलर ऐड कर रहा हूँ। सो आप लोग भी नोज़ में बेसलर ऐड कर लीजिए। और ये वीडियो काफ़ी लेट आया क्योंकि इस वीडियो को ड्राइंग को बनाने में मुझे बहुत समय लग गया है। सो ये वीडियो काफ़ी लेट आया मुझे, इस ड्राइंग को बनाने में लगभग 12 से 13 आवर लग गए हैं। आप लोग को ये 20 मिनट्स का वीडियो लग रहा होगा लेकिन इसमें बहुत आवर्स लगे हैं। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा और डार्क करेंगे। टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने के बाद हम लोग 4B या 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम और डार्क करेंगे, इसमें हम लोग अभी बहुत डिटेलिंग करेंगे। नोज़ में भी हम लोग को बहुत समय लगेगा। सो आप लोग भी ड्राइंग में समय देना है तभी आप लोग का भी ड्राइंग अच्छा रिजल्ट आएगा। सो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4B पेंसिल थोड़ा सा और डार्क एरियाज़ को कम्प्लीट करने के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आया हो या फिर ऐसे ही ड्राइंग वीडियोस को देखना पसंद करते हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ड्राइंग वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। और इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो कर दीजिएगा। सो अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूँगा, वहाँ से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिएगा। और इस रेफरेंस फ़ोटो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी कर लीजिएगा रेफरेंस फ़ोटो को भी डाउनलोड। सो अभी आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे नोज़ को शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग ने नोज़ में बॉल है जो, उसको करने के लिए हम लोग ने 6B या 8B पेंसिल का हम लोग ने यूज़ किया, डार्क पेंसिल का यूज़ किया उसमें। और अभी हम लोग उसको ब्लेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा फैला दे रहे हैं टिश्यू पेपर से थोड़ा मोड़ा, समझ लीजिए हम लोग फेस में थोड़ा सा ला दे रहे हैं। और ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं नोज़ में वाइट हाईलाइट्स को ऐड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। सो अब हमारा नोज़ कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम लोग करेंगे इधर के साइड वाला फेस जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो अभी वही टेक्निक का यूज़ करेंगे, सेम टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग बेसलर ऐड करने के लिए जहाँ जहाँ पे हम लोग को डार्क दिख रहा है पहले वहाँ वहाँ पे हम लोग डार्क कर दे रहे हैं। सो उसी टेक्निक का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, पहले सब साइड में दोनों साइड के फेस को और ऊपर के फोरहेड को करने के लिए बेसलर ऐड करने के लिए। सो बेसलर को ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको ब्लेंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक साइड के फेस को हम लोग जो पूरा है कंप्लीट कर लेंगे डिटेलिंग और रिलिंग। पहले एक साइड के फेस को करेंगे उसके बाद फिर दूसरे साइड के, उसके बाद फिर फोरहेड को करेंगे। सो ऐसे ही हम लोग ड्राइंग को अपने पास लेंगे। सो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि मैं पहला जो साइड है हम लोग उसको कम्प्लीट कर रहे हैं। सो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल थोड़ा सा और डार्क करने के लिए ही। सो अभी उसके बाद फिर उतना करने के बाद, डार्क करने के बाद हम लोग इसको ब्लेंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हम लोग ने स्किन टेक्सचर जो निकालना है उसको करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा मोड़ा जहाँ पे डार्क जो फेस में थोड़ा सा वो ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्किन टेक्सचर निकल के आएगा। और उसके आसपास मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, यानी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट्स को ऐड कर रहा हूँ। सो ऐसा आप लोग को भी करना है। और इसी टेक्निक से हम लोग सेकेंड फेस को भी करेंगे कवर, उसके बाद फिर ऐसे इसी टेक्निक से हम लोग फोरहेड को भी कवर करेंगे। सो सबसे पहले सेकेंड साइड को हम लोग कवर कर ले रहे हैं, डार्क कर ले रहे हैं थोड़ा सा।
अब हम लोग ईयर्स को शेड करेंगे। सो इसके लिए भी हम लोग उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पे हम लोग को डार्क दिख रहा है डार्क कर देंगे। तो टू बी पेंसिल का आप लोग यूज़ कीजिए। सो अभी मैं जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा हूँ वहाँ डार्क कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ा फैला फैला ब्लेंड करेंगे, जैसे जहाँ जहाँ नहीं ब्लेंड ब्लेंड कर देंगे। उसका भी मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा यहाँ पे ईयर्स में जो हाईलाइट वाइलाइट है वो दे देंगे, और ईयर्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक नहीं ला पाया हूँ मैं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं सेकेंड ईयर को भी ऐसे ही कर लेता हूँ। तो सेकेंड ईयर को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग लिप्स को शेड करेंगे। तो लिप्स में पहले हम लोग बीच वाले जो एरिया है जो हम यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा डार्क करेंगे। सो उसके लिए आप लोग 4B पेंसिल से थोड़ा सा और डार्क कीजिएगा। सो अभी फिर 2B पेंसिल से मैं बेस लाइट ऐड कर दे रहा हूँ लिप में भी। सो जहाँ जहाँ हाईलाइट्स हैं वहाँ वहाँ जगह छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बेस लाइट ऐड कर दे रहे हैं, और फिर हाईलाइट्स को भी ऐड करेंगे ब्लेंड करने के बाद। सो अभी हम लोग का लिप कंप्लीट हो चुका है उसी टेक्निक के साथ। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था इसलिए आप लोगों को पूरा दिखा नहीं, और उसमें थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज़ किया हूँ मैं। अभी मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ बियर्ड को करने के लिए। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से मैं बियर्ड में स्ट्रोक मार रहा हूँ छोटे छोटे। सो इससे बियर्ड हम लोग का हो जाएगा कम्प्लीट। तो सबसे पहले चलिए बियर्ड्स को कम्प्लीट कर लेते हैं। सो बियर्ड्स में स्ट्रोक मारने के बाद अब हम लोग इसको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लेंगे। एकदम जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रोक मारा है उसी में हम लोगों को इधर उधर ब्लेंड नहीं करना है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ स्ट्रोक मारा उसी एरियाज में हम लोग को ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर हम लोग बियर्ड्स के ऊपर वाले एरियाज को थोड़ा शेड कर ले रहे हैं 2B पेंसिल से। सो अभी हम लोग बियर्ड्स में हाईलाइट्स को ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोजीरो रेजर। सो अभी हाईलाइट्स को ऐड करने के बाद हम लोग नेक पोर्शन में आ चुके हैं। काफ़ी जल्दी हम लोग नेक पोर्शन पे आ चुके हैं करके। अभी हम लोग 4B या 2B पेंसिल से हम लोग नेक में जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ वहाँ पे कर रहे हैं रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके। सो ऐसे ही आप लोग को भी करना है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और डार्क कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 6B 7B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं शर्ट में जहाँ पे शेडोज डार्क है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए 7B पेंसिल का ही आप लोग यूज़ कीजिएगा। तो नेक पोर्शन को करने के बाद अब हम लोग सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही, जैसे हम लोगों ने बियर्ड्स को शेड किया था स्ट्रोक मारा था, वैसे ही हम लोग हेयर्स में भी वैसे ही करेंगे। सो उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे, आप लोग हेयर में भी उसी टेक्निक का यूज़ करिएगा। सो सबसे पहले मैं देख सकते हैं मैं इधर के थोड़ा सा नीचे का पार्ट के हेयर को कर रहा हूँ जहाँ पर कम हेयर है। सो सब उसी हेयर को पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हेयर्स को कम्प्लीट करेंगे। Thank you.
मारने के बाद अब हम लोग इसको ब्लेंड कर रहे हैं, और ब्लेंड करने के बाद अब हम लोग इसमें मोनो जीरो इरेजर से वाइट हाईलाइट्स जो है उनको ऐड करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे रेफरेंस फोटो में हाईलाइट्स हैं वहाँ वहाँ हेयर्स में हाईलाइट को ऐड करेंगे। उसके बाद फिर मैं शर्ट को करने में आ गया हूँ, तो शर्ट मेरा इतना अच्छा नहीं हो पाया, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। सो अभी मैं इसमें 7B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो 8B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डार्क वहाँ वहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। सो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं टी शर्ट को शेड करने के बाद इसको ब्लेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। सो आप लोग को भी ब्लेंड करना है, और आप लोग देख सकते हैं मेरा टी शर्ट कैसा हुआ है, इतना अच्छा नहीं हो पाया है टी शर्ट। और अभी हम लोग का ड्राइंग जो है रेडी हो चुका है, और काफ़ी मेहनत लगा इस ड्राइंग को करने में, लगभग 15 आवर्स लग गए हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो विराट कोहली सर तक पहुँच जाए और वो इस वीडियो को देखें। सो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा ड्राइंग का रिज़ल्ट कैसा आया है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है, फेस का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आया है। सो आई होप गाइस आप लोग को ये ड्राइंग ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।